आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज होली का त्योहार है, होली आप सब जानते हैं क्यों मनाई जाती है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ अलग अलग होते हैं। इस शरीर के अंदर जब सब विषयों का दहन होता है, सब विकारों को नष्ट कर दिया जाता है, सब विषय विकार समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उनकी होली मनाई जाती है। मानो एक एक अणुओं से रचना हुई इस प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर अनेकों अनेकों प्रकृति जितनी भी है, जितना भी परमात्मा ने रचना की है, जितना भी ये ब्रह्मांड उन्होंने बनाया है, जितना भी उन्होंने ये सब खेल तैयार किया है, सब जितना भी आप इन आँखों से देख सकते हैं और जो इन आँखों से आप नहीं देख पाते, वो चीज़ें सब की सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पहले भी जुड़ी हुई हैं, यहाँ पृथ्वी पर आने से और पृथ्वी से जाने के बाद भी जुड़ी हुई है। क्योंकि प्रकृति से आप देखोगे जितने भी शरीर हैं सब प्रकृति के बने हुए हैं, पांचों तत्वों के बने हुए हैं, जितनी भी रचनाएं हैं सब अष्ट प्रकृति में आ जाती हैं और इसी के अंदर का सारा खेल घूमता रहता है, चलता रहता है। और मानव बस छोटी छोटी वस्तुओं के लिए सोचता है, मैं साधना कर लूं, मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे इतना अच्छा करना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे कष्टों को लेकर के विचारों में इतना अंदर तक चला जाता है, एक कर्म छुड़ाने के लिए दूसरा कर्म तैयार कर लेता है, दूसरा कर्म छुड़ाने के लिए चार कर्म और तैयार कर लेता है, और इस प्रकार से कर्मों का अंबार लगता चला जाता है, ढेर लग जाता है। क्योंकि कर्म एक दूसरे के ऐसा नहीं होता कि कल आपने कोई पाप किया था, आज आपने पुण्य कर दिया तो वो बराबर हो गया, या कल आपने पुण्य किया था, आज आपने कोई पाप कर दिया वो बराबर हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये संसार नहीं चलता, ये जीव नहीं चलते, ये शरीर नहीं बनते। क्योंकि जितने भी शरीर हैं सबका आधार कर्म है, और अगर कर्म ही आधार है और कर्म ही एक दूसरे से कट कट करके समाप्त हो जाए तो फिर शरीर का क्या आधार रहेगा। कर्म के बिना सुख और दुख और काया ये प्राप्त नहीं होते। जितने भी शरीर देख रहे हैं, चाहे किसी भी योनि के अंदर हों, सबका एक ही आधार है, एक ही कारण है, कर्म। और वो कर्म किसी भी प्रकार का हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आधार नहीं बदला जा सकता। और जब कर्म आधार नहीं होगा या हमारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, कर्म शेष नहीं रहेंगे, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें खोज अगर हमारी पूरी हो जाएगी, तो फिर ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना सुख होगा, ना दुख होगा, न कुछ पाना शेष रहेगा, न खोना शेष रहेगा।
अनेकों अनेक जन्म के कारण से मानव का चोला प्राप्त होता है और मानव का चोला जो ही पैदा होता है वो अपने स्वरूप में लौटने के लिए प्रयास शुरू कर देता है। पैदा होना भी अनिवार्य होता है लेकिन जाना, उस प्रकृति में विलीन हो जाना, उस परमात्मा का जो नियम है उसकी ओर दौड़ना और ये आत्मा अपने स्वरूप की ओर भागना शुरू कर देती है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है आपने देखा होगा, पहले वो 22 घंटे सोता रहता है, फिर 20 घंटे सोता रहता है, फिर 18 घंटे, धीरे 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 उसकी निद्रा कम होती जाती है। और बहुत से बुजुर्ग आपने ये कहते सुने होंगे कि हमारी नींद तो बिल्कुल ही चली गई, ये क्या कारण होते हैं? इनके बहुत गहरे रहस्य होते हैं लेकिन हम लोग ना खोजने का प्रयास करते हैं, ना उस ओर सोचते हैं, ना देखते हैं, ना समझते हैं, ना उस विषय के ऊपर जाना चाहते हैं। बस एक दौड़ शुरू हो जाती है, जिंदगी में पैदा हुए और वहीं से खेल शुरू हुआ, माया के अंदर पड़े, हवा लगी और शरीरों के सफर शुरू हुए और एकदम से पता चलने लगा, आंखें खुलने लगी। लेकिन नींद बचपन में जो खेलता है बच्चा, तो उसका आपने ध्यान किया होगा, देखा होगा कि वो बाहर चला जाता है, खेलता है खिलौनों के साथ, छोटी छोटी वस्तुओं के साथ, बड़ा प्रेम होता उसका और उसमें वो बाहर कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, कुछ खाने पीने की वस्तुओं को दिखा करके या ऐसे ही किसी भी प्रकार से उसको खेलते हुए, प्यार करते हुए, दुलार करते हुए, उसको के अंदर अपने माता पिता से उसको दूर ले जाया जाता है। जब तक उसको भूख नहीं लगती तब तक वो न रोता है, खेलता रहता है। जब भूख लगती है तभी उसको माँ की याद आती है, फिर वापस उसी स्थान के ऊपर आ जाता है। लेकिन ये भूख तो छोटी बचपन की है, जो असली भूख होती है वो परमात्मा की होती है। जब तक जीव को एहसास नहीं होगा उस भूख का, उस प्यास का, उस तड़प का, तब तक उस परमात्मा की ओर ध्यान नहीं जा सकता। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए, तड़प के साथ ध्यान करना चाहिए, बिना तड़प के, बिना भूख के। क्या आप जब पानी पीते हो, अगर आपको प्यास लगी हुई है, क्या आप पूछते हो कैसे पानी पीना चाहिए? नहीं पूछते, जहाँ मिला वहीं पी लोगे। अगर आप कई दिन से भूखे हो, क्या आप पूछते हो कैसे भोजन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप इंतज़ार नहीं करोगे कि डाइनिंग टेबल लगाएंगे और कुछ करेंगे, नहीं, जहाँ भी आप बैठोगे वहीं बैठ करके तृप्त हो जाओगे और भोजन कर लोगे। उसी प्रकार से जब परमात्मा के भजन की भूख होगी, उस तक पहुँचने की भूख होगी, सुमरण की भूख होगी, तो एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, उसको और दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसको फिर पैसा अच्छा लगने लगता है, संसार की सुख सुविधाएं अच्छी लगने लगती हैं, उसमें वो फंसने लगता है और धीरे धीरे जो उसको छोटी चीज़ें पसंद थी, जो उसको माता पिता पसंद थे, खिलौने पसंद थे और इधर उधर की चीज़ें पसंद थी, उनसे दूर होने लगता है। वो अपना शरीर के ऊपर ध्यान देने लगता है, मैं सुंदर दिखता हूँ, नहीं दिखता, अच्छा लगता हूँ, शरीर को सजाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या सही है, ये नहीं सोचता, कहाँ जाना है ये भी नहीं सोचता। लेकिन वो धीरे धीरे उसमें संसार में फंस जाता है, उसका विवाह होता है, फिर वो स्त्री में फंस जाता है और धीरे धीरे वो जब और अगली अवस्था में जाता है, फिर वस्तुएं बदल जाती हैं। लेकिन बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक एक चीज़ उनके साथ रहती है, वो होती है निद्रा। और ये सबके साथ रहती है, जितने भी आप बैठे हुए हो सबको पता ही होगा।
जब ये शरीर थक जाता है या आप सोते हो या जाते हो अपने बिस्तर के ऊपर तो लेटते हो, सोचते नहीं कि नींद आ जाए, नींद आ नहीं, अपने आप ही निंद्रा आ जाती है। कितने भी सुख भोग हो, कितना भी कुछ भी खाने पीने का हो, भोगने का हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये शरीर आराम मांगता है, निंद्रा मांगता है कि ये सो जाए। और आप बोलते भी हो कि नहीं अब मुझे सोने दो, और क्या चाहते हो आप, तो फिर ये शरीर सब कुछ छोड़ करके निंद्रा में चला जाता है। तो ये बचपन से ही होती है, फिर जवानी में थोड़ा माहौल तैयार किया जाता है। पहले माता पिता संभाल करके माहौल तैयार करते थे, कहीं बच्चे को आवाज़ सुनाई ना दे जाए, कहीं गर्मी ना लग जाए, कहीं सर्दी ना लग जाए, कहीं वस्त्र ना इधर उधर हो जाए, कहीं बच्चे को किसी का इधर उधर से हाथ ना लगा दे, पूरा ध्यान रखते थे और पालने के अंदर झुलाते रहते थे, हिलाते रहते थे और लोरी सुना करके किसी भी प्रकार से सुलाते थे। लेकिन युवावस्था में फिर समय देखते हैं कि क्या चल रहा है, पता चल जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे करना है, कैसे माहौल तैयार करना है, कैसे बिस्तर लगाना है, एसी चलाना है, पंखा चलाना, सुख सुविधा के अनुसार हम इस शरीर को सुख सुविधा दे करके जैसे निंद्रा का माहौल होता है उसी प्रकार से तैयार करते हैं। लेकिन वो युवावस्था में भी सोना होता है, लेकिन धीरे धीरे जब और आगे की अवस्था बढ़ती है, जब वैराग्य आता है, चाहे वो बचपन में आए, चाहे युवावस्था में आए, चाहे प्रौढ़ अवस्था में आए, बुजुर्ग अवस्था में आए, संन्यास अवस्था, किसी भी अवस्था के अंदर जब वैराग्य आता है तो फिर नींद नहीं सुहाती, निंद्रा भंग हो जाती है। क्योंकि वैराग्य के अंदर निंद्रा और तंद्रा दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जीव को ये पता चल जाता है कि ये नींद हमारी शत्रु है, सहायक नहीं है। इसी कारण से हमारे बहुत से संत महात्मा, योगी लोग, महापुरुष बार बार ये कहते रहते हैं, इस नींद को त्याग दो, मोह को त्याग दो और परमात्मा के भजन के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि बहुत से योगी लोग ऐसे होते हैं जो भजन करते करते उस नींद को निकाल देते हैं। हमारे साइंस ने भी अब सिद्ध कर दिया कि योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा और योगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर को उसी प्रकार से अपडेट किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, जिस प्रकार से निंद्रा के अंदर ये शरीर ऑटोमेटिक से तैयार हो जाता है। जितना भी जीव हैं, जितने भी मानव हैं, सब के सब जब सो जाते हैं, सुबह उठ करके पवित्र सा महसूस करते हैं, तेज सा महसूस करते हैं, स्फूर्ति सी महसूस करते हैं, ताजगी सी महसूस करते हैं। क्या कारण होता है? क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा की ओर दौड़ती रहती है। ये शरीर अपने अस्तित्व को जो हमने इस धरा से, जो सब तत्वों से उठा उठा करके इकट्ठा किया है प्रकृति ने, वो सब के सब समाप्त हो जाने वाले तत्व हैं। तो ये शरीर उसकी खोज में सोता रहता है हर रोज़। कुछ बुजुर्ग लोगों को पता होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, कारण क्या होता है? क्योंकि धीरे 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 वो अपने वजूद से दूर जाने लगते हैं। पूरी उम्र ना ध्यान करते हैं, ना सुमरण करते हैं, ना भजन करते हैं, ना परमात्मा को याद किया, ना उसको सहारा लिया, ना उसकी ओर बढ़े, ना कुछ जागृति हुई, ना उस ओर कुछ कार्य हो पाया, ना जीवन जीने का रास्ता मिला, ना पवित्रता हुई, ना धर्म पर रहे, ना उस परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चले, ना शास्त्रों के अनुसार चले, ना धर्म के अनुसार चले, तो फिर ये जीव क्या करे, शरीर क्या करे, कितना झेल सकता है? इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसको ताकत की आवश्यकता होती है,
वो किसी प्रकार से भी मिले, कैसे भी मिले। इस संसार के अंदर अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही ऊर्जाएं हैं। एक तो परमात्मा के नाम की ताकत होती है, पवित्रता की ताकत होती है, एक आसुरी शक्तियां होती हैं। लेकिन जो आसुरी शक्तियां होती हैं वो कुछ देर के लिए होती हैं, अच्छा करने के लिए नहीं होती, वो जीवों को कष्ट देने के लिए होती हैं। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा अच्छा हो जाए, चाहे संसार का कितना भी बुरा हो, कितना भी गलत हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये जीव जिए मरे, रहे ना रहे, परेशान हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा अच्छा होना चाहिए। इतना सोचने से अच्छा नहीं हो सकता, ना किसी का भला हो सकता है, ना किसी को प्राप्ति हो सकती है। हाँ, अगर हम अपने कर्म से गिरे, अपने धर्म से गिरे, अपनी मर्यादाओं से गिरे, वहाँ तक नहीं पहुँचे, भजन नहीं किया, सुमरण नहीं किया, उस मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं किया, तो फिर सारा रास्ता और हमें कुछ भी नहीं मिला। तो अगर हम उन आसुरी शक्तियों की बात करें, बहुत से लोग जो आसुरी शक्तियों को प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, मंत्रों की सिद्धियां करते हैं, तंत्रों का प्रयोग करते हैं, लोगों से छोटे मोटे स्वार्थ, धन संपदा, स्त्री और अपना संसार के अंदर नाम फैलाने के लिए, कीर्ति और यश फैलाने के लिए, और इस प्रकार की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए इस संसार के जीवों को परेशान करते हैं, जीवों की बलि देते हैं, जीवों के अंदर से खेलते हैं, जीवों के शरीरों को बांध लेते हैं, सूक्ष्म शरीरों के ऊपर प्रभार करते हैं, सूक्ष्म जीवों को बांध करके उनसे कार्य कराते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको बहुत परेशान प्रताड़ित करते रहते हैं। आपसे बहुत से जो लोगों को नाम प्राप्त नहीं है, जिनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, इस संसार के अंदर ऐसे बहुत से जीव बंधे हुए हैं, जिनको एहसास तक नहीं है कि हमारा सूक्ष्म शरीर बांध लिया गया है और हम उन्हीं के अधीन हो चुके हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उन्हीं के अनुसार खेल खेलते हैं। इस प्रकार के ये बहुत गहरे रहस्य हैं। लेकिन नाम के साधक के आगे, नाम की दौलत के आगे, नाम की ताकत के आगे ये शैतानी शक्तियाँ टिक नहीं पाती और बिखरने लगती हैं, छटपटाने लगती हैं, और वो बंधन टूट जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नाम की दौलत अनंत होती है। वो इतनी पवित्र दौलत होती है, इतनी तेजस्वी होती है, उसके अंदर इतना तेज होता है, जितने भी वो संसार के बंधन तक को छुड़ा देती है, भव के बंधन से निकाल देती है, जितने भी संसार के बंध लगे हुए हैं सबको तोड़ करके जीव को जीवन मुक्त कर देती है। वो दौलत अनंत है, वो परमात्मा की दौलत है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कोई अंदाज़ा नहीं होता। जो इस नाम के तेज और प्रभाव को जानता है वो भय मुक्त हो जाता है जीव, क्योंकि उस जीव को पता होता है सब कुछ कर्म के अनुसार चलता रहता है। जितने भी हमारे संत महात्मा हुए, जितने भी मत और मजहब हुए, जितने भी धर्म और पंथ हुए, सब जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, जितने भी हमारे शब्द हुए, जितने भी नाम हुए, जितने भी संतों ने नाम रखे, सबके सब नामों की डेट वाइज, समय वाइज, तारीख वाइज सब की गिनती है कि कौन किस कौन सा समय के ऊपर कौन सा उस परमात्मा को नाम दिया गया, कौन से समय के ऊपर क्या नाम रखा गया। और जितने भी नाम रखे गए, चाहे कोई भी नाम रखा, संतों ने अपनी सुविधा के अंदर उस अनामी अनंत को अपना नाम दे दिया। लेकिन हम अगर मैं आज अनंत और उसका नाम बोल रहा हूँ तो आने वाला समय उसी को नाम बोलने लगेगा। तो ये ही हमारे संतों के साथ हुआ, जिसने भी उसका नाम रखा, जिसने भी प्रयास किया, जो वहाँ पहुँचे,
जिन्होंने उसके नूर का वर्णन किया, तेज का वर्णन किया, परमात्मा की महिमा का वर्णन किया, उसके सार का, निराकार का और निराकार होते हुए भी उसकी लीलाओं का स्वरूप का जो वर्णन किया वो अवर्णनीय ताकतें, अवर्णनीय वो परमात्मा, जैसा भी उनकी बुद्धि ने उसको पकड़ा वैसा ही विचारों में डाल करके आप सब लोगों के सामने उन्होंने बोल दिया, और ऐसे ही पहले भी बोलते रहेंगे। लेकिन ये जितने भी नाम हैं सब के सब नाम इस जीवा के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, श्वासों के द्वारा रटे जाने वाले हैं। लेकिन जो नाम सदा से है वो आपके अंदर विराजमान है, चाहे इस संसार के अंदर कोई भी नाम ना रहे, क्योंकि जितने भी संत हुए उनसे पहले जो ताकत हुई क्या उसको ये पता था शब्द क्या होता है? क्योंकि उस नाम का आधार शब्द नहीं होता, वो आप सबके अंदर विराजमान है। कोई भी मनुष्य उससे बचा हुआ नहीं है, कोई भी जीव उससे बचा हुआ नहीं है, कोई भी जीव उससे अलग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम ये होता है, आप लोगों को इतना भ्रम हो गया है कि जीव को समझाना, निकालना, उस रास्ते पर ले करके जाना, समझाना बहुत मुश्किल कार्य हो गया। क्योंकि जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिन्हें परमात्मा मिला नहीं, ऐसे लोग बोल बोल करके रास्ता अलग अलग दिखाते रहते हैं और गलत रास्ते के ऊपर जीव को ले जाते हैं। न उन्हें खुद की समझ होती, न उन्हें पता होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, न उन्हें पता होता कैसे जीव को परमात्मा तक ले जाया जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे समाधि लगती है, कैसे शब्द के ऊपर पकड़ होती है, क्या सार है, क्या असार है, क्या तत्व है, क्या ज्ञान है, क्या स्वरूप है, क्या तेज है, ये पता नहीं होता। बस शब्दों के जाल के अंदर, कथाओं के जाल के अंदर, गीत भजनों के जाल के अंदर, म्यूजिक के अंदर, भिन्न भिन्न प्रकार की बाहरी वस्तुओं के अंदर जीव को इतना भटका और इतना भ्रमित और भयभीत कर दिया जाता है। जीव डरता रहता है हर समय हर पल कि कहीं माया ना पकड़ ले, कहीं किसी प्रकार की विपत्ति ना आ जाए, कहीं हम किसी से दूर हुए झंझट पैदा ना हो जाए। ये सब गुरुओं का माया जाल है जिससे जीव जकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं, भ्रमित होकर के वहीं घूमते रहते हैं। ना सत्य की खोज होती, ना ज्ञान की खोज होती, ना परमात्मा की खोज होती। मुझे तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, जिन्हें गुरुपद की तो छोड़ो, जिन्हें परमात्मा तक का ज्ञान नहीं, जिन्हें परमात्मा के नाम तक का नहीं पता, जो परमात्मा को विष्णु बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, कबीर बोलते हैं, शेष बोलते हैं, महेश बोलते हैं, और भी जितने भी नाम हैं बोलते रहते हैं, और मैं सोचता हूँ यही नाम देते रहते हैं। बहुत बार सोचता हूँ मैं कि ये क्या चल रहा है संसार के अंदर, कि छोटे छोटे जो खेल हैं वो अजीब सी संसार के अंदर धारणाएं बन गई हैं, और उन्हीं के ऊपर हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन मानव जीव को ये नहीं पता होता हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे प्राप्ति हो, नहीं पता होता उन्हें। ये लगता है बस अब की बार मिल जाएगा परमात्मा। अरे परमात्मा कहीं खोया ही नहीं है, मिलेगा कहाँ से? खो तो आप समय गए हो, दबा तो आपने समय को लिया है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक विचार उत्पन्न होता रहता है जो सबके अंदर होता है, वही आपके अंदर भी हो रहा होगा कि मैं, मेरे अंदर इतना काम भरा हुआ है मैं तो कामी हूँ, मेरे अंदर इतना क्रोध भरा हुआ है मैं तो क्रोधी हूँ, मेरे अंदर इतने विचार हैं तो कैसे परमात्मा मिलेगा, मेरे अंदर इतना लोभ है लालच है कैसे परमात्मा मिलेगा, हम तो धसे हुए हैं कीच के अंदर कैसे परमात्मा मिलेगा, मैंने तो शादी करा ली कैसे परमात्मा मिलेगा,
मैं मेरे अंदर तो लाखों कमियां हैं, मेरे को कैसे परमात्मा मिलेगा। लेकिन आप एक बात को बिल्कुल ही भूल गए, आपके दिमाग के अंदर वो विचार ही नहीं कि बिना परमात्मा के आपका शरीर नहीं चल सकता। आपके अंदर अगर वो परमात्मा नाम की ताकत नहीं है, परमात्मा नाम की सत्ता और शक्ति नहीं है, अगर वो आत्मा नाम की ताकत और सत्ता नहीं है, अगर वो परमात्मा आप अंदर विराजमान नहीं है, तो आप एक पल भी नहीं जी सकते। एक पल भी उसकी तरफ जब आपका ध्यान जाएगा तो आपको याद आएगा कि परमात्मा कुछ अलग ही ताकत है, अलग ही पहचान है, अलग ही तेज है। और हम भ्रम के अंदर, भूल के अंदर अपना अस्तित्व और वजूद मिटा चुके हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी गलती जीवन में एक ही होती है कि अपने आप को शरीर मान लेना, कि आपने अपने आप को शरीर मान लिया। और ये सबसे बड़ा भ्रम होता है, इससे बड़ा भ्रम इस संसार के अंदर दूसरा कोई भी नहीं है। लेकिन जो आपके अंदर विराजमान है, जो तत्व है, जो सदा से था, है, रहेगा, न मिट सकता, न जलाया जा सकता, न घटाया जा सकता, ना मृत्यु होती है, ना उत्पन्न होता है, ना जागता है, ना सोता है, ना अपवित्र होता है, ना कोई इसको पवित्र कर सकता है, ना उसका तेज कम होता है, ना ज़्यादा होता है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसका वर्णन उन्होंने गीता जी के अंदर, वेदों के अंदर, सब ग्रंथों के अंदर, संतों की वाणियों के अंदर, सदग्रंथों के अंदर, संतों के मुख से और अवतारों के मुख से जिन्होंने वर्णन किया है, वो कौन सा सार तत्व है? आप लोग भूल गए हैं। और यही भूल हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। सोए हुए जीव को जगाया जा सकता है, जागे हुए जीव को कैसे जगाया जाए, ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। आप खोजते रहो परमात्मा को, भिखारियों की तरह से ढूंढते रहो। जिस प्रकार से एक भिखारी अपना पात्र लेकर के घर घर डोलता रहता है, दुकान दुकान डोलता रहता है, बाजार बाजार डोलता रहता है, सड़क सड़क डोलता रहता है, मांगता रहता है, ढूंढता रहता है, लेकिन वही भिखारी के आप ना कुछ उसका इस्तेमाल कर पाता है, ना उसका कुछ पता होता है। और इसी प्रकार से मांग मांग करके अपना जीवन बेकार और बर्बाद कर देता है, ना उसका कुछ लाभ मिल पाता है, दो दो कौड़ी के लिए इधर उधर भटकता रहता है। उसी प्रकार से ये संसारी जीव छोटी छोटी वस्तुएं मांगने के लिए, प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जो जीव परमात्मा की खोज में प्रयासरत होते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए प्रयासरत होते हैं, उस रास्ते पर भागते हैं, उन्हें इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संसार के अंदर सब प्रकार की व्यक्ति मौजूद हैं, सब प्रकार की आत्माएं मौजूद हैं, सब प्रकार की सत्ताएं मौजूद हैं, जो आपको ये एहसास करा दे आप ही के अंदर ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म हो, आपके अंदर वो परमात्मा नाम की दौलत है, आपके अंदर वो परम सत्ता है, आपके अंदर वो जागृत तत्व है, आप ही वो परमात्मा हो। जब आपको ये एहसास होगा, जब आपको झटका लगेगा बिजली की तरह से एकदम से, कि जब ज्ञान हो जाएगा, जब स्वयं की खोज हो जाएगी, तब आपको ये पता चलेगा हम खोज किसकी कर रहे थे, कहाँ भाग रहे थे, कहाँ दौड़ रहे थे, किसके पीछे दौड़ रहे थे, क्या मिला हमें, क्या खो दिया हमने, कैसे प्राप्त किया और क्या प्राप्त किया। अपने सोचते हो आप भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके कुछ भजन कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, योग लगा रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, किसी भी प्रकार से आप अगर साधना कर रहे हो, आप समझ रहे हो ये इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी इसके विपरीत है।
ये सच्चाई है कि जितना आप इस ओर कदम बढ़ा रहे हो उतना आपको प्राप्त नहीं हो रहा। ये सब आपका अस्तित्व मिटाने का प्रयास है। आपके अंदर जो ये शरीर का अहंकार है, मेरे बाजुओं में ताकत है, मेरे हाथों के अंदर इतनी शक्ति है, मेरे दिमाग के अंदर इतनी तीव्रता और तेज है, मेरी इतनी तेज बुद्धि है, मैं डरता नहीं, निडर हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी शोहरत है, मैंने ये किया वो, ये सब के सब जितनी भी बातें आप सोच सकते हैं, जितनी भी बातें विचार आपकी बुद्धि के अंदर आते हैं, सब के सब सोच और विचार, सबका सब कुछ ये समझिए, ये सब को आपको रोकने के लिए माया का जाल है। और आपने समय तैयार कर लिया, ये नहीं किसी ने आकर के आपको रोक दिया। और जो नाम लेने के बाद जो खेल शुरू होता है, कुछ जीव सपनों के जाल में खो जाते हैं कि मुझे ये आज दिखाई दिया, कल नहीं दिखाई दिया, कल वो दिखा, कुछ दिखना चाहिए, वो भी भ्रम जाल है सारा। आप ये समझिए, सार तत्व केवल आप हो, दूसरा कोई भी नहीं। अगर आपने स्वयं की खोज कर ली, प्राप्ति कर ली, न दूसरा किसी को जानना है, न किसी को पाना है, तो जितनी भी विधियाँ लगाई जाती हैं, जितनी भी युक्तियाँ लगाई जाती हैं, जितना भी प्रयास किया जाता है, जितना भी संघर्ष किया जाता है, जितना भी आसन सिद्ध किया जाता है, जितना समाधि में जाया जाता है, सबका सब कुछ एक ही उद्देश्य है कि हमें अपने आप को मिटा देना है, शरीर के अहंकार को समाप्त कर देना है। जब आप गहरी निंद्रा में हों या समाधि में हों, आपकी जब समाधि शुरू होती है तो उस समय एहसास ही नहीं रहता कि ये शरीर है या नहीं है। शरीर का एहसास समाधि के शुरुआत में ही मिटने लगता है, लेकिन समाधि का जब गहरा अभ्यास होता है तो उस अभ्यास के बाद तो बैठे रहो, चाहे खड़े रहो, चाहे लेटे रहो, चलते रहो, ध्यान एकाग्र हो जाएगा, नाम तभी एहसास होगा, क्या वो नाम है, क्या सार है, कौन सा ऐसा नाम है जो न वेदों के अंदर है, न ग्रंथों के अंदर है, न पूजा से प्राप्त होता है, किसी प्रकार से भी, न मुख से, न वाणी से, किस प्रकार से प्राप्त होता है। जितनी भी साधनाएं की जाती हैं, जितना भी प्रयास किया जाता है, जितना नाम सिमरण किया जाता है, जितना भी, जितने भी हाथ पैर मारे जाते हैं किसी भी तरफ से, चाहे गंगा स्नान से लेकर के ब्रज परिक्रमा तक, सब के सब ये खेल अपने आप को, अपने वजूद मिटाने के लिए हैं। लेकिन वहाँ जा कर के हम अपने वजूद को और बुरी तरह से पकड़ लेते हैं। जब हम अपने शरीर को और अपने वजूद को और बुरी तरह से पकड़ते हैं, तो फिर हम उस परम तत्व से, उस आत्म तत्व से और दूर चले जाते हैं। लेकिन इसका एहसास नहीं होता। जब आप जाते हो और स्नान के लिए जाओ, चाहे कहीं भी किसी प्रकार से भी जाओ, वहाँ अगर हमें शरीर का एहसास होगा, वहाँ अगर हम छोटे बड़े ये मानेंगे कि ये मेरे से छोटा है, ये क्या है, इसकी क्या औकात है, इसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास इतना धन है, मैं इतनी बड़ी गाड़ी से आया हूँ, मैं इतनी अच्छी जगह रहता हूँ, मैंने इतने अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, ये क्या पहने हैं, ये किसने आने दिया, क्या चल, अनेकों प्रश्न जो आप सोच सकते हो। और वहाँ जा कर के भी शरीर को छोड़िए आप लोग, आप तो वहाँ वस्त्रों के अंदर अटक जाते हैं कि छोटे छोटे कहीं हमारे वस्त्र खराब न हो जाएं, कहीं परेशानी ना आ जाए, मैं कैसा लग रहा हूँ, अनेकों प्रकार के सवाल जो आप सब लोगों के मन में चलते रहते हैं, ये सब के सब सवाल समाप्त करने के लिए आप वहाँ गए थे। और जब सब के सब सवाल ये डबल दुगनी रफ्तार से चलने लगे, तो तीर्थ का महत्व नहीं रहा।
तीर्थ का महत्व तभी तक होता है जब हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारे अंदर जो ताकत है और हम उस सत्ता की तलाश में हम जाएं, हम उस एनर्जी की खोज में जाएं। अगर आपने वहां जा कर के भी ध्यान नहीं किया, अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, आप सब कुछ अगर आप कहीं भी जाएं, चाहे गुरुस्थान के ऊपर जाएं, चाहे जहां अवतार हुए हैं, जहां संत महात्मा रहते थे वहां जाएं, अगर हम उस एनर्जी को अनुभव नहीं कर पाए, उस ताकत का अनुभव नहीं कर पाए, उस परम सत्ता का अनुभव नहीं कर पाए, अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर पाए, अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाए और बैठ करके हम उसको जुड़ाव नहीं कर पाए, उसके साथ डोर नहीं बांध पाए और उससे चढ़ाई नहीं हो पाई, तो आपने क्या पाया? चाहे आप पूरी उम्र घूमते रहो, चाहे डोलते रहो, प्रयास करते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, इधर उधर बैठते रहो, बातें करते रहो, सिगरेट शराब के अंदर फंसे रहो, शराब कबाब के अंदर फंसे रहो, अगर आप तीर्थों के ऊपर जा कर के भी इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हो तो क्या लाभ हुआ तीर्थों में जाने का, क्या प्राप्त होगा? आप और ज़्यादा तीर्थ गई, मैं नानका मन चंचल ची चोर गई थी, मैल उतारने लाई दुश्मन और। तो नानक जी ने भी कहा है कि अगर हम तीर्थ के अंदर जाएंगे, मन चंचल होगा और चित्त के अंदर ठहराव नहीं होगा, चित्त में इधर उधर क्या हमने इकट्ठा कर लिया होगा, मन के अंदर ठहराव नहीं होगा, मन इतना चंचल और चलायमान होगा, इससे अच्छा तो आप अपने घर रहिए, क्योंकि वहाँ मन एक स्थिर तो है, भाग दौड़ तो नहीं रहा, इधर उधर की वस्तुओं के अंदर ताक झाक तो नहीं कर रहा। जब ये मन ताक झाक करता है, विषय वासनाओं के अंदर दौड़ता है, उनके देख रेख करके उनको भागता रहता है, सोचता है, विचारता है, ताकता है, ताड़ता है और इधर उधर से इकट्ठा करके अपने अंदर बुरी वस्तुओं को इकट्ठा कर लेता है, क्या फायदा होगा? कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी स्थान के ऊपर चले जाओ आप, कितना भी आप दौड़ भाग करते रहो, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही आए थे। तो अगर हमें कुछ चाहिए, साधना करनी है, सुमरण करना है या परमात्मा के नाम के ऊपर चलना है, उसके रास्ते के ऊपर चलना है, तो आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए, आपके अंदर इतना पता होना चाहिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, शारीरिक ताकत नहीं, शारीरिक पहचान नहीं, शारीरिक चेहरे की पहचान नहीं, आपकी पद और ओहदे की पहचान नहीं, पैसे और माया का रुतबा नहीं, लोगों से पहचान नहीं, परमात्मा नहीं चाहते, ऐसा आप नहीं चाहते, ऐसा नसीब में नहीं है, ऐसा सौभाग्य नहीं है, ये जो शब्दों का हम खेल खेलते हैं ना, ये सब उस परमात्मा को पता होता है, आपके गुरु को भी पता होता है कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या अंदर में चल रहा है, मांगने क्या आए हैं, मांग क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं, चाहना क्या है, सब कुछ पता होता है। लेकिन आप जो पर्दे के पीछे छुपने का प्रयास करते हैं, ऐसे उन संतों की नज़रों से नहीं बच सकते, क्योंकि उन्होंने की जो नज़र होती है वो पारदर्शी होती है, वो देख लेती है दूर तक, आर पार देख लेती है, इसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, ये चीज़ें तो जो छोटी छोटी सिद्धियां करते हैं वो भी देख लेते हैं, लेकिन संतों में और उनमें बड़ा भेद होता है। और इस रहस्य को जब आप समझ जाओगे, जब आप जान जाओगे, जब आप खोज करोगे, जब प्राप्ति होगी, जब उस ओर बढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा आप कैसे जीव हो, क्या लेने के लिए आए हो, क्यों यहाँ तक पहुँचे, क्या कारण था, क्या ये छोटे छोटे कार्य के लिए आए हो आप? बिल्कुल भी नहीं, आपका उद्देश्य और है, बिल्कुल वो उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे कष्ट, छोटी छोटी परेशानियाँ इसलिए उत्पन्न होती हैं ताकि हम खोज करें
और वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ हमें पहुँचना है। कोई कुल देवता प्रयास करता है कि हमारे परिवार का सदस्य अगर पूर्ण गुरु के पास चला जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। बहुत पितर भी प्रयास करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं, उठा उठा करके लेके आते हैं कि मेरा भी कल्याण हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। क्योंकि संतों के अंदर इतनी अक्षमता होती है। जब गंगा माँ ने सवाल किया, गंगा जी ने सवाल किया कि मैं तो सबके पाप हरूंगी, लेकिन मेरा पाप कैसे हरा जाएगा, कौन हरेगा, किसके अंदर इतनी अक्षमता होगी कि मैं सारे जगत का भार उठाती रहूं और कौन किस प्रकार से पाप हरण हो। तो उन्होंने कहा संतों के चरण आसुरों के साथ साथ जब संतों के चरण आपके अंदर पड़ेंगे तो पाप अपने आप समाप्त होने लगेगा। तो उसी प्रकार से जब संतों के दर्शन होते हैं उनका प्रभाव तेज इतना होता है जीव का सब कुछ बदलने लगता है। कितना भी छोटा जीव हो, चाहे मानव योनि के अंदर हो या ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, अगर वो संतों के आसपास रहता है तो उस एनर्जी को महसूस करता है, चाहे वो पक्षी हो कुछ भी हो, क्योंकि उसके अंदर जो सत्ता होती है वो आपस में तालमेल करती है। उसके अंदर जो आत्माएं होती हैं वो प्रभाव करती हैं। उसके अंदर जो ताकत होती है वो एक होती है दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा साइंस खोजता रहता है लेकिन उस तत्व तक नहीं पहुंच पाया, पहले अणु तक पहुंच गया, अणु को तोड़ करके परमाणु तक पहुंच गया, परमाणु को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक पहुंच गया। उसको तोड़ करके, तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को, बहुत लोग पढ़े लिखे बैठे होंगे वो समझ सकते हैं कि सूर्य के अंदर 1.5 करोड़ डिग्री तापमान होता है। अंदाज़ा लगाइए आप सूर्य के मध्य में कितना तापमान हुआ, और धरा के ऊपर जब हल्का सा तापमान होता है तो कितना लोग छटपटाने लगते हैं, 1.5 करोड़ डिग्री कितना तापमान होगा। लेकिन उन चीज़ों को तोड़ने के लिए, उस को तोड़ने के लिए 2 करोड़ डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तब वो टूटता, टूट के क्वार्ट्स बन जाता है और वो फिर। लेकिन ये वहीं पूरा नहीं हुआ, साइंस हमारा यहीं तक पहुंचा है। जब इसको तोड़ने के लिए 5 करोड़ डिग्री टेम्परेचर तैयार किया जाएगा, वो मशीनें डेवलप की जाएंगी, उसी प्रकार से उसको तोड़ा जाएगा, फिर उसके भी लाखों टुकड़े हो जाएंगे और फिर उसके भी, उसको भी तोड़ा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और पता चलता रहेगा। पहले ये मानते थे कि ये जो अणु है यही श्रेष्ठ है, इससे आगे सृष्टि नहीं है और यही सृष्टि का कारण है। लेकिन जितनी हमारी खोज होगी, जितना साइंस खोजेगा, जितना गहराई तक जाएगा, रहस्य उतना गहरा होता जाएगा। लेकिन वो तत्व अनंत है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो पाया है, जो हमारे योगियों ने, संतों ने पाया है, किसी भी रास्ते से गए हों, कैसे भी पहुँचे हों, कितने भी नाम रखे हों उस परमात्मा के, लेकिन सब के सब नाम उसी एक के हैं। किसी भी संत महात्मा ने ये नहीं बोला कि मैं चला जाऊंगा और मेरे जाने के बाद मेरी मूर्तियों की पूजा करो, मेरी आगे दीपक लगाओ, ये कर, बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन हम, मैं बार बार बोलता हूँ, साधना करो प्राप्ति करनी है तो, साधना करो परमात्मा चाहिए तो। बहुत लोग आते हैं बेचारे भोले ही कहूँगा मैं तो, और क्या कहूँगा। एक ने आ करके मुझे कहा कि जी मैं कान्हा ले लूँ। मैंने कहा देखो मेरी तो औकात नहीं है कान्हा लेने की, अगर आपकी औकात हो तो आप ले लीजिए कान्हा, क्योंकि कान्हा के अंदर इतनी ताकत है, कृष्णा के अंदर इतनी ताकत है, हम कौन होते हैं उसको लेने वाले, और हमारे के अंदर इतनी ताकत कहाँ है कि जब मर्जी उसको ले लें और जब मर्जी छोड़ दें। ये बड़े आश्चर्य की बात होती है। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं ले लेती हूँ। थोड़े दिन बहुत बाद वो आई, उन्होंने कहा जी कान्हा की तो गर्दन ही टूट गई। मैंने कहा
मैंने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, हमारी तो आज भी इतनी औकात नहीं खाना के हाथ भी लगा दें, गर्दन टूटना तो बहुत बड़ी बात है कि जी अब क्या करें उसका। कि मैंने कहा ये तो आप देखो, मैंने तो ना दिया उनको, ना मैंने लिया उनको, ना इस प्रकार से हम खेल खेलते हैं, क्योंकि मेरे कहना तो वो है जिसकी ना गर्दन है, ना टूटती है, ना जुड़ती है, ना पैदा होते हैं, ना नष्ट होते हैं, ना मिलते हैं, ना खोते हैं, जो आप सबके अंदर होते हैं, क्योंकि वो कभी समाप्त नहीं होते, न वो कभी अजर होते हैं, और ये तो सोचना भी मत कि वो अमर होते हैं, क्योंकि अमर शब्द भी शब्दों के अंदर बांध दिया गया, कि समय के अंदर बांध दिया गया, समय उनके अधीन होता है, समय उनके पैर के नीचे नाचता रहता है। कितनी ताकत होगी उसके अंदर, आप लोग उस परम सत्ता को नहीं पहचानते, आप लोग उस साधना को नहीं पहचानते, आप लोग उस ज्ञान की ओर नहीं बढ़ते। मैं कहता रहता हूँ ध्यान करो, आप संसार के अंदर डोलते रहते हो, आप संसार में भागते रहते हो। मैं समझाता हूँ बार बार कि नहीं, ये रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे अनुभव है, परमात्मा ने जो मुझे रास्ता दिखाया, हम वहीं से गुजर करके आए हैं जहां आप भाग रहे हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जितना संघर्ष हमने किया, जितनी दौड़ भाग हमने की, जितना प्रयास हमने किया, जितना समय हमने गवा दिया उसको पाने में, आप भी उतना ही समय लगाएं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। क्योंकि मार्ग दिखाने वाला अगर ना हो तो बहुत समय लग जाता है, जब एहसास हो और मार्ग दिखाने वाला हो, हाथ पकड़ करके ले जाने वाला हो, फिर भी भाग भाग करके कोई कुएं में कूदे वो निकालता रहे, फिर कूद जाए फिर निकालता रहे, रास्ता दिखाए रास्ते पर नहीं चले, मैं बोलूँ इधर जाओ उधर नहीं दूसरी तरफ, मैं बोलूँ ये करो वो नहीं दूसरी तरफ, गुरु की चाल नहीं समझते, क्योंकि गुरु की चाल अटपटी होती है, बोले भाले जीवों की पकड़ में नहीं आती। वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, कोई ध्यान से कैसे परमात्मा मिल जाता है। मैं कहता हूँ कई बार एक आध जीव को मैंने बोला, कभी कभी बोलता हूँ किसी किसी जीव को कि जी अब क्या करना चाहिए, ध्यान नहीं लगता है। मैं बोलता हूँ सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने कहा जी ठीक है नाम ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ नाम भी छोड़ दो। वो बड़े अजीब से सवाल और अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि इसको कुछ पता भी है या ऐसे ही बोल रहा है। उस बाबा जी ने तो बोला था नाम रटने से कल्याण होगा, और ये बोल रहे हैं कि नाम छोड़ दो। मेरे गुरु तो कहते हैं राधे राधे रटो, राधे के बिना कल्याण नहीं है, ये बोल रहे हैं उनको भी छोड़ दो। तो क्या सच है क्या झूठ है, ये तो समय ही बताएगा, ये तो साधना ही बताएगी, ये तो आने वाला समय ही बता देगा क्या सच था क्या है क्या होगा। क्योंकि संतों के जाने के बाद उनकी छोटी छोटी वस्तुओं के आगे दीपक लगाते रहते हैं लोग, खोजते रहते हैं। आप सब लोगों के मन में सवाल आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बहुत प्रसन्न लोग भी आते हैं मेरे पास आ करके बोलते हैं कि जी अगर हम उस टाइम पर होते ना श्री कृष्ण जी के समय के ऊपर, हम तो साथ जाते उनके। मैंने कहा आज जो ब्रजवासी बचे हुए हैं वो भी यही बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा नहीं गए, हम तो जाते, हम नहीं छोड़ते। यही हालात सबके होते हैं, जब संत महात्मा अवतार आते हैं तो हिल जाता है सब कुछ, समझ में नहीं आता क्या है क्या सही है क्या गलत है। उस समय के ऊपर हम छोटी छोटी वस्तुओं से लिपट जाते हैं, राज से मोह हो जाता है, संसारी वस्तुओं से मोह हो जाता है, और इधर उधर के संसार से मोह हो जाता है, और हम इतने बुरी तरह फंस जाते हैं, हमारी समझ और पकड़ से बाहर हो जाती हैं चीज़ें, हमें सही गलत का अंदाज़ा लगना बंद हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम नाम तक छोड़ देते हैं कि नाम नहीं मैं नहीं रटता। क्यों नहीं रटते,
फिर हम उसी के अंदर फंस जाते हैं। मैं बार बार समझाता हूँ, मेरे पास बहुत जीव आते हैं, आ भी रहे हैं, आपके बीच में बैठे हुए भी हैं, कुछ जीव दूर भी हैं हमारे से, और सबको पता, मैं बार बार रास्ता दिखाता रहता हूँ, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, परमात्मा का ये मार्ग है, साधना का ये मार्ग है, ध्यान का ये मार्ग है, प्राप्ति का ये मार्ग है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला करके बोलता रहता हूँ। उन जीवों को भी पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उस रास्ते के ऊपर चलना नहीं चाहते। और जब तक आप अंदर से उस मार्ग पर चलना नहीं चाहोगे जो आपको उस परमपिता तक ले करके जाए, जो आपके मन के अंदर सवाल इच्छाएं हैं उनको मिटा दे, जो आपको उठा करके उस सच्चे बादशाह तक ले जाए, जो आपकी आत्मा को उस परमात्मा तक ले करके जाए, आप जागे हुए जीव हो जाएं, आपके अंदर जो खेल चल रहा है उसको समझ पाएं, ये बहुत गहरे रहस्य की बातें होती हैं। कुछ लोग सपनों में खोए रहते हैं कि आज मुझे वो दादाजी दिख गए, आज मुझे पितर दिख गए, आज देवी के दर्शन हुए, नवरात्रे चल रहे हैं जी, बहुत शुभ होगा, कुछ न कुछ अच्छा। मैंने कहा क्या शुभ समझते, आपकी कुछ न कुछ पैसा आएगा। तो ये जो खेल चल रहा है ये सीमित है, ये आपको वहाँ तक नहीं ले जा सकता। मैं जहाँ तक आपको ले जाना चाहता हूँ वो परम सत्ता रास्ते पर दिखाने के लिए, वो उनको समझाने के लिए, डांट फटकार का सहारा ले करके इस प्रकार से आपको तारते रहते हैं, जीवों को कल्याण करते रहते हैं, मार्ग दिखाते रहते हैं, और अपने जीवों को बड़े संभाल संभाल करके, क्योंकि संत जो होते हैं प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं, प्रत्येक जीव से उनका अपना जुड़ाव होता है, उन्हें पता है कि जो आज ये चींटी बनी हुई है, आज ये हाँ यहाँ आसपास है, पिछले जन्म में कहाँ ये साथ था हमारा, आज जो ये जीव पशु हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं किस जन्म के हमारे ये साथी होंगे, उन्हें दिव्य दृष्टि से पता चलता रहता है। ये नहीं कि कोई छोटी मोटी सिद्धि से, अनंत अनंत जन्मों का पता रहता है उनको, उनके अंदर इतनी अक्षमता रहती है, वो अपने जाए हुए जीवों को वापिस बुला लेते हैं, घुमा करके इधर उधर दे देते हैं कल्याण के लिए, फिर अपनी शरण में ले लेते हैं, फिर नाम दे करके उनको उतार देते हैं पार। कुछ ऐसे भी महात्मा हुए इतिहास के अंदर जिन्होंने शरीरों को इधर उधर करके अपने शिष्यों को पहले भेज दिया, बाद में आप गए, क्योंकि ये खेल होता है, कोई किसी प्रकार से खेलता है, कोई किसी प्रकार से खेलता है। जो जीवों का कल्याण करना संत जानते हैं वो अपने हिसाब से, आपकी नज़र में वो लोग समझो मर जाते हैं या उठ जाते हैं या वजूद ख़त्म हो जाता है, लेकिन संतों की नज़र में उनका वजूद अलग होता है, उनके ऊपर दया करनी होती है, कृपा करनी होती है, वो दयावान हैं, क्योंकि वो जानते हैं पहले इसको पहुंचा दो, क्या पता आगे क्या होगा, आगे अगर ये नहीं गया तो इस फिर जन्म होगा, बेचारा फिर दुखी होगा, इतना परेशान होगा, कोई धरती के ऊपर संत मिले ना मिले, संत मिल जाए गुरु ना मिले तो भी अटकाव रहता है, अगर गुरु मिल जाए पूर्ण ना हो तो भी जन्म की हानि होती है, अगर पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो गई तो समझो कल्याण का मार्ग वहीं से खुल गया। तो साधना के बिना, सुमरण के बिना, ध्यान के बिना, जितना भी आप भागते रहो, बाहर की पूजा पाठ करते रहो, कितने भी दौड़ते रहो, कितनी भी साधनाएं करते रहो, किसके लिए कर रहे हो यह साधनाएं, ये सब की सब साधनाएं आप आत्मा को पाने के लिए कर रहे हो, और आत्मा का खोना और पाना कुछ नहीं होता, उनका जो खेल होता है बस ये जानना है या वहाँ तक पहुँचना है। जितने भी हमारे ये सारे के सारे बंधन हैं इनको तोड़ना है, जो जितना बंधा हुआ है, जो जितना अटका हुआ है, जो जितना फंसा हुआ है संसार के अंदर,
उतना ही भ्रमित है, उतना ही उस आत्मा से दूर है, उसको उतनी ही जानकारी नहीं है। जिसने उस आत्मा की खोज कर ली, जिसने उस आत्मा को पा लिया, जिन्होंने अपने को खोज लिया, उनको न शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, ना वेद पढ़ने की आवश्यकता है, ना ग्रंथों की आवश्यकता है, न किसी पूजा पाठ की आवश्यकता है, ना नाम ध्यान की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से जीव ये सोचते हैं कि अगर हमने प्राप्त कर लिया तो फिर क्या करना है, फिर ये बोलने की आवश्यकता नहीं होती क्या करना है, क्योंकि वहीं ध्यान लग जाता है, वहाँ ना कि नाम रटे ना रटे ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो सार शब्द जाग जाता है। जब वो सार शब्द जागता है, वो सार नाम जागता है जो आपके अंदर है, जो सब नामों से पहले था, जो सब भाषाओं से पहले था इस संसार के अंदर। आप देखिए, जब ये मानव की सृष्टि नहीं थी, वैज्ञानिक भी बोलते हैं इससे पहले दूसरी सृष्टि थी जहाँ डायनासोर घूमते रहते थे, उससे पहले कोई और सृष्टि होगी, उससे पहले कोई और सृष्टि होगी, और मानव की जो सृष्टि है ये चल रही है, ये वातावरण के अनुसार चलता है, सब कुछ खेल, जीवों के कर्मों के अनुसार ये खेल चलता है। जब ये कर्म के ऊपर प्रभाव होने लगता है, कर्म का चक्कर चलने लगता है, धीरे धीरे शरीरों के रूप बदलने लगते हैं, और एक सृष्टि खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है, लाखों करोड़ों जीव विलुप्त हो चुके हैं, उसी प्रकार से लाखों करोड़ों जीव नए उत्पन्न हो गए हैं। ये कहाँ से आते हैं जीव, कहाँ जाते हैं? आप किसी भी फल को लीजिए, किसी भी वस्तु को लीजिए, उसको रखिए, चाहे दूध रखिए, दही रखिए, और कुछ रखिए, धीरे धीरे उसमें क्रिया शुरू हो जाती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, उसमें आप देखते हो कि इसमें तो जीव पैदा हो गए, इसमें तो कीड़े लग रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, क्या घटनाएं होती हैं, कहाँ से आते हैं वो? कभी सोचा है आपने कि एकदम से बारिश हुई, मेंढक एकदम से बाहर आ गए, कहाँ से आया वो सब कुछ? कि एकदम से आपने कोई पदार्थ रखा था, सुबह उठा करके देखा, आपने कभी चूहा मरा हुआ देखा, उठा करके देखो कीड़े ही कीड़े चलते में, कहाँ से आए इतने जल्दी ये सब कुछ? यानी ये सब के सब विराजमान हैं, बस दबी हुई चीज़ें हैं। इसी प्रकार से शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के रोग दबे हुए हैं, अनेकों प्रकार की वस्तुएं दबी हुई हैं, अनेकों प्रकार के देवता दबे हुए हैं, अनेकों प्रकार की शक्तियां खोई हुई हैं, लेकिन हम भूल के कारण, भ्रम के कारण और बुद्धि के कारण, विचार के कारण, फंसे हुए होने के कारण अनेकों प्रकार का जो खेल है सृष्टि का, इसको ना समझने के कारण अनेकों अनेक ऐसे कारण हैं जिस कारण से हम उस तत्व तक नहीं पहुंच पाते, बार बार रोक लिए जाते हैं। ये सब प्रकृति का खेल है, ये सब परमात्मा की माया है, यही खेल है जो खेलता है वो, जिसके अंदर ये जीव फंस करके भ्रम के कारण आज और कल, आने वाला कल भूल जाता है। बस कुछ दिन याद रहते हैं फिर भूल जाते हैं, कुछ यात्राएं, कुछ लोग जो चले गए वो, कुछ खेल याद रहता है कि हाँ वो चला गया, मुझे भी जाना है, एक दिन समय आएगा कि ये नष्ट हो जाएगा, राख हो जाएगी शरीर की, कौन पहचानेगा किसकी ये राख है, किसकी ये अस्थियाँ हैं, किसका ये खेल है, सब कुछ जल जाएगा। तो उस जल जाने वाले शरीर से, गल जाने वाले शरीर से, मिट्टी हो जाने वाले शरीर से इतना मोह कब तक आप भागते रहोगे समय से, कब तक इस आत्मा से दूर जाते रहोगे, इस प्रकार से कैसे कल्याण होगा जीवों का? तो आप प्रयास कीजिए कि जीवों का कल्याण हो सके, लेकिन जब तक ध्यान नहीं करोगे इसी प्रकार से भटके रहोगे। और जो जीव उस नाम के साथ जुड़ गया, क्योंकि अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं इस संसार के अंदर, जो तमोगुणी शक्तियों के साथ जुड़ गया वहीं अटक गया,
और वो कल्याण को प्राप्त नहीं होता। नाम की दौलत के बिना संसार के अंदर कोई भी दौलत वहाँ तक आपको लेकर के नहीं जाएगी। जो ये गुरु 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 कर रहे हैं, जिसके पास परमात्मा का दिया हुआ गुरुपद नहीं है, जिसके हाथ में परमात्मा ने डोर नहीं पकड़ाई है, जिसको परमात्मा ने स्वीकार नहीं किया है, जो वहाँ तक समय नहीं पहुँचा, वो आप लोगों को किस प्रकार से ले जा सकता है। लेकिन जो समय पहुँच गया, वो आपको रास्ता भी दिखाएगा, हाथ पकड़ करके ले जा भी सकता है, मंजिल तक वहाँ तक पहुँचा भी सकता है, वहाँ तक आपकी सहायता भी कर सकता है, मदद भी कर सकता है, कहीं रुके हुए हो वहाँ से उठा करके आगे भी बढ़ा सकता है। तो ये बहुत से कारण होते हैं। जब आप अपने अंदर में खोज करोगे, इस आत्मा की, ज्ञान की अपनी खोज करोगे, मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ, जब तक आप समय तक नहीं पहुँच जाते, कहीं भी रुकना नहीं। अगर आप कहीं भी रुके, समझ लो आपकी स्थिति वहीं स्थित हो गई, आप आगे नहीं बढ़े, और आगे बढ़े बिना उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास कीजिए, ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए। कुछ लोग आज, मैं बहुत रात्रि से जो जीव चले गए उनके लिए प्रयासरत थे ध्यान साधना के अंदर, तो उनके बहुत काम लगभग हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, वो आज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो लोग आए हैं, कुछ लोग भाव के साथ आए हैं, कुछ लोग नंगे पैरों चल कर के आए हैं, कुछ लोग वो दो दिन पहले आए थे कि जी कैथल से बहुत दूर से पैदल पैदल चल करके आ रहे हैं भाव के साथ। तो ऐसे लोग जो प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं, हृदय के साथ, उनकी आत्माएं जो मेल होता है, शरीरों का मेल एक स्तर तक होता है, बुद्धि का, विचारों का तालमेल अलग स्तर तक होता है, हृदय का तालमेल एक अलग स्तर का होता है, आत्मा का जो तालमेल होता है वो अलग स्तर का होता है, वो आंतरिक हो जाता है। तो ऐसे लोग जो बहुत जन्मों से साथ चले आ रहे हैं, आज भी साथ हैं, और अब जितनी साधना करेंगे, मुझे लगता है कि बहुत से लोग जीव जो जीवन मुक्त हो जाएंगे, रोक नहीं सकता कोई भी, क्योंकि उस परमात्मा के अंदर इतनी ताकत, इतना तेज है कि कोई भी जीव, कोई भी देवी देव रोक नहीं पाएगा जो उस नाम को रटेगा। क्योंकि जीवों की अक्षमता होती है, गुरुओं के अंदर ताकत होती है, संतों की अक्षमता होती है। तो इस प्रकार के जीव जो आत्मा से जुड़े हुए हैं, वो छोटे छोटे जो इच्छाएं ले करके आए हैं, वो तो आपकी दरबार में मैं ना कहूँगा तो भी वो सुनता रहता है, और वो तो पहुँचती रहती हैं। लेकिन जो लोग भाव के साथ आए हैं और हृदय के साथ आए हैं, उनकी भी सब की सब दरख्वास्त हम दरबार के अंदर भेजते रहते हैं। क्योंकि ये जब आपके विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो सब के सब इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और सब के सब इकट्ठे करके और वहाँ उस दरबार तक पहुँचा दिए जाते हैं। बहुत से लोग जो नहीं पहुँच पाए, कुछ लोग मजबूर थे जो नहीं आ पाए, कुछ लोग जान बूझ करके नहीं आए, जिन्हें इधर उधर जाना था, कुछ लोगों को मेलों के अंदर जाना था, कुछ लोगों को समाज का डर था, कुछ लोगों को परिवार का डर था, वो अपने हिसाब से देख लेंगे, जैसा भी उनके साथ होगा, जो भी वो करेंगे, जैसा उचित होगा। लेकिन जो भाव से जुड़े हुए हैं, उनको परमात्मा अपने आप संभालेगा। आपको न भयभीत होने की आवश्यकता है, किसी से भी ना सोचने की आवश्यकता है, कहीं भी ये मत सोचना कि यहाँ ये नहीं करना, बस बुरे कर्म से डरो, भजन करो, और परिणाम आप सबके सामने है। न उस जीव को उस परमात्मा तक जाने से रोक सकता है, न कोई रोक पाएगा आपको। इन किसी भी प्रकार के आडंबरों से, किसी भी प्रकार के भय पैदा करने वाली वस्तुओं से डरने की, घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि आप उस नाम के साथ जुड़े हुए हो जो आपको अंदर तक जोड़ करके रखता है। जब आपके शरीर ही सूक्ष्म शरीर ही तेजस्वी होंगे, आत्मा ही तेजस्वी होगी, तो ये तंत्र कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाम की दौलत के आगे कोई ताकत ठहरती नहीं है। और नाम की ताकत उस परमात्मा के साथ जुड़ती है तो सब छिन्न भिन्न हो करके छटपटाने लगता है। मेरे पास एक जीव आया, मैंने बहुत समझाया, बहुत भयभीत कि जी नहीं, मेरा तो वो मुसलमान लोग ये कर देंगे, मुझे बांध लिया, बहुत भयभीत, आप सोच नहीं सकते, बहुत तंत्र का प्रभाव। लेकिन जब नाम की दौलत शुरू होती है फिर सोचना नहीं पड़ता, सब के सब तंत्र अपने आप भागने लगते हैं। तो आप निर्भय हो जाइए, बिना सोचे ही अपनी भजन ध्यान में मस्ती कीजिए। अगला जो प्रोग्राम होगा वो आपको पता ही है, 6 तारीख का होगा, तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और प्यार प्रेम के साथ आप सब लोग खुशी खुशी होली मनाइए, क्योंकि सब लोग इतने दिल के साथ आए हैं, त्यौहार को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके। जब आप मेरे दरबार तक नहीं कहूँगा, मेरे गुरु के दरबार तक जब आप आए हैं, तो आपको खुश ये बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, खुशी तो आपके आसपास घूमती रहेगी। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और शब्द के ऊपर पकड़ कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।